हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया है। अदालती कमीशन अगले 30 रोज में जजेस से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक भी ऑडियो लीक हुई, इसलिए उन्हें कमीशन में शामिल नहीं किया गया। तो क्या कमीशन मौजूद चीफ जस्टिस को भी तलब कर सकता है? क्या कमीशन ऑडियो रिकॉर्ड करने और रिलीज करने वालों की भी तहकीकात करेगा, या इस कमीशन का हाल भी उसी तहकीकाती कमेटी जैसा होगा जिसका ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 8 महीने पहले किया था, जब वजीर आजम हाउस में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई थी। काबीना फैसले इसकी जो इन्वेस्टिगेशन इस केस की बिल्कुल शुरू है और कौम को पूरी शफाफियत के साथ इंशाल्लाह हम बताएंगे कौम को इंशाल्लाह पूरी तरह। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल कहीं उठते हैं, क्या कभी सियासतदानों से मुतालिक ऑडियो लीक्स की भी तहकीकात की जाएंगी, या इस वक्त जो हो रहा है समझा जाए कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जजेस पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी उलमा मशायख खिताब कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, लेकिन उनका हदफ अदलिया और इमरान खान ही नजर आए। उन्होंने कहा कि अदालतों में सासों की फरमाइश पर फैसले सुनाए जा रहे हैं। अदलिया की तौहीन बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर से ही होती है। दूसरी तरफ हुकूमती अरकान को रिलीफ मिलने का सिलसिला भी जारी है। नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दे दिया है। अगर ये केस सही था तो क्लीन चिट कैसे मिली, और अगर ये केस गलत था तो क्या केस बनाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? इतने साल जो केस चला, कौम का पैसा खर्च हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, उसका हिसाब कौन देगा? और फिर सवाल ये भी कि अगर ये केसेस सियासी इंतकाम के लिए बने थे तो आज इमरान खान पर जो केसेस बन रहे हैं क्या उनका हशर भी फिर यही होगा? इस पर बात करने के लिए आज मेरे मौजूद मेहमानों में हसन रजा पान कर चुके हैं, चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर गौहर खान साहब, वकील हैं इमरान खान के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुश आमदीद कहूंगी। गौहर खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि खान साहब ने कमीशन का दायरा कार बढ़ाने और इख्तियारात में इजाफे का मुतालबा किया है, यानी सर तहरीक इंसाफ को कमीशन की फॉर्मेशन और मेंबरान पर कोई एतराज नहीं है और फाइंडिंग्स को कबूल किया जाएगा खान साहब की तरफ, एम आई राइट सर? देखिए वो तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, उस पर खान साहब या पॉलिटिकल पार्टी जवाब दे सकती, आप दे सकती, मुझसे तो अगर आप पूछे तो मैं लीगली कह सकता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये कमीशन इस मैटर को इन द फर्स्ट इंस्टेंस देख भी सकती है या नहीं देख सकती। अगर आप चाहें तो मैं इसका जरूर तस्करा करूं। देखिए इसमें जो ऑडियो लीक्स है, इस वक्त इस कमीशन का जो नोटिफिकेशन हुआ है इसके मुताबिक 8 किस्म के ऑडियो लीक्स पे इस कमीशन ने अपने फाइंडिंग देनी है। पहली बात तो ये है कि उनमें से सिर्फ एक ही ऑडियो लीक है, 3 नंबर वाला जिसको सी है, वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू असिटिंग जज है। इसके मुताबिक ये कमीशन सिरे से फाइंडिंग नहीं दे सकती क्योंकि ये सारा रिक्वायर करता है और ये विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिस वक्त बनता है तो उसके पास वो इख्तियार आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार आते हैं। तो इसकी सारी फाइंडिंग सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खुद कर सकती है अगर ये मैटर आता है कि वाकई मिसकंडक्ट हुआ है। जो रिमेनिंग 7 है उस लिए इस किस्म का कमीशन बन ही नहीं सकता इन द फर्स्ट प्लेस। उसकी रीजन यही है कि ये सिर्फ 7 ऑडियो लीक्स के लिए हैं, और हुकूमत मौजूदा कानून जो 2017 के मुताबिक बना है उसमें हुकूमत इटसेल्फ किसी जजेस पे मुश्तमिल कमीशन नहीं बना सकता। फॉर इंस्टेंस चीफ जस्टिस तो सिरे से इसको, काजी फाइज साहब तो सिरे से इसको देख ही नहीं सकता। द रीजन बींग काजी फाइज साहब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा है तो इसलिए वो इस मैटर को नहीं देख सकता। जो बाकी जज साहिबान है वो खुद इसको नहीं कर सकती, हुकूमत मुतालिका चीफ जस्टिस को लिखेगी। इवन इफ अगर चीफ जस्टिस को आप लाना चाहते हैं तो लेटर जाएगा, फिर चीफ जस्टिस की जवाबदेही दे वो खुद को और मैटर के। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है केस भी चीफ जस्टिस या जज साहिबान नहीं बैठ सकते, और इसकी एक खास रीजन है जो जज साहिबान के लिए बना है वो कोड ऑफ एक्ट का आर्टिकल 7 है, वो आर्टिकल 7 मना करता। अगर चीफ जस्टिस के पास कोई दरखास्त जाती है गौर साहब तो क्या चीफ जस्टिस इस कमीशन को खत्म कर सकते हैं सर? देखिए वो कमीशन को खत्म नहीं करेंगे अगर जाते तो ये कमीशन सिरे से लीगल और लॉफुल है ही नहीं। काजी फैसा साहब इससे नहीं सकते, अगर नहीं बैठ सकते तो कमीशन टूट गया। जो बाकी दो साहिबान है कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ नहीं करता कि वो जज साहिबान बैठ जाए इस कमीशन पे बैठ जाए, कंडक्ट अलाउ नहीं करता ये जज साहिबान इस पे आकर के जज साहिबान इस कमीशन का हिस्सा बने।
और सिर्फ कमीशन उस सूरत में बनता है। जो मैं आपको मिसाल दे दूं, क्वेटा का ब्लास्ट हुआ है, काजी फैसा साहब कमीशन ने कर लिया, जो इस्लामाबाद के ब्लास्ट हो गए एफएट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उसमें भी शौकत अजीज सदीकी साहब ने हेड किया था, आर्मी पब्लिक स्कूल का हो गया था, लालजान खटक साहब ने कर लिया था। इन मामलात में मुतालिक चीफ जस्टिस साहिबान के पास जब रिक्वेस्ट आती है वो बनाते हैं, हुकूमत इस के साथ ऑडियो लीक पे नहीं बना। यहाँ पर ये चीफ जस्टिस की जवाब दी दे, आप ऐसा कह रहे हैं हसन पाशा साहब, सर मेमोगेट स्कैंडल हो गया, ये धांधली कमीशन हो गया, इस समय जितने भी जुडिशियल कमीशन जहां जहां बने सर, उसकी नामजदगी के लिए रिक्वेस्ट ऑब्वियसली चीफ जस्टिस को जाती है, लेकिन इस बार हुकूमत ने बराह रास्त नामजदगी की है, तो सर कानूनी लिहाज से ये दुरुस्त है? मैं समझता हूँ ये कानूनी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, और हमारे मुतालबात बड़े अरसे से ये आ रहे थे। से हमने 6 रेफरेंसेस फाइल किए एक मजद जज साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उस वक्त से हमारा मुतालबा, बल्कि फाइल करने से पहले हमारा मुतालबा था चीफ जस्टिस साहब से भी और हुकूमते वक्त से भी कि आप जो है वो एक कमीशन मुकर्रर करें, जुडिशियल इंक्वायरी करें, तहकीकात करें, पता चले कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं जज साहबान जज साहब के हवाले से सही हैं या गलत हैं। अगर गलत हैं तो जिन्होंने बनाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर सही हैं तो फिर जज साहब को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होने की कोई जवाब नहीं बनता। तो खुदा खुदा करके ये अगर बन भी गया है तो इस पे एतराजात नहीं होने चाहिए। बड़ा हाई प्रोफाइल और इंटेग्रिटी वाले जज सर, कानूनी लिहाज से मुझे बताइए, कानूनी लिहाज से बताइए हसन साहब, ये बताइए सर, बराह रास्त नामजदगी से सर, जी जी सर सवाल भी ले लीजिए, बराह रास्त सर ये जो अब नामजदगी हो गई है, इस पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है सर? और चीफ जस्टिस चाहें तो सर जस्टिस काजी फैज ईसा और दीगर मेंबरान को काम से रोक सकते हैं सर? लेकिन ये तो आप उनके इंटरनल मामला है, लेकिन लेकिन ये है कि चीफ ये हुकूमत वक्त जो है वो ये कमीशन तश्कील दे सकती है, उसके इख्तियारात हैं जुडिशियल कमीशन बनाने के, और पहले कई दफा ऐसे हो चुका है कि और सर चीफ जस्टिस साहब के पास भी ये इख्तियारात हैं कि अगर अगर ऐसी नामजदगी हो जाती है और चीफ जस्टिस चाहें तो वो अपने इख्तियार को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना सर, जैसे असेंबली ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। जस्टिस साहब की हद तक मैं अर्ज करूंगा, वो फिर इनको एक जुडिशियल ऑर्डर करना पड़ेगा, और जाहिर है कोई 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 एग्रीव्ड पार्टी इसको चैलेंज करेगी या फिर 1843 की ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम करके वो सुओ मोटो लेके तो ये अपने नोटिसेस वगैरह करके कर सकते हैं, लेकिन ये सारा जुडिशियल साइड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना जी हसन साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना सर, क्योंकि हुकूमत कहती है कि चीफ जस्टिस से मुतालिक भी ऑडियो है, तो क्या सर ये कमीशन चीफ जस्टिस को भी तलब कर सकता है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और वो जज होने की वजह से ही है, तो इसीलिए आई थिंक उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया और सीनियर प्यूनी जज साहब को चेयरमैन बनाया गया, उसमें दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में वो उनको शामिल किया जा सकता है, पूछ गुछ की जा सकती है, क्योंकि कानून इजाजत देता है, इख्तियार देता है सर, कानून कोई भी कानून से बाला तार नहीं है।